एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक ब्लॉक है, राइट? ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के यहां पे मैंने फोर्स अप्लाई की एफ, इसका मास 1 kg है, और सपोज इसकी वेलोसिटी यहां पर थी 2 m/s, और थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 m/s, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 m। तो क्वेश्चन आएगा, फाइंड अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू 20² माइनस हाफ इंटू एम इंटू 2². क्लियर है यहां तक? ये क्या आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स। इसमें नेट फोर्स में एक ही तो फोर्स है एफ, तो वर्क डन बाय फोर्स बोलो क्या है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है 15। एफ कहां पर है, राइट, डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, राइट, एंगल उनके बीच में है 0, और वैसे भी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो फोर्स एक्सेलरेटिंग होगी, एक्सप्रेशन जनरेट करेगी, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर रिटार्डिंग होती तो वेलोसिटी कम हो रही होती तो वर्क डन भी नेगेटिव होता, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क डन करती है। तो इसमें कॉस ऑफ ऑब्वियसली क्या आएगा, 0, जो कि 1। तो यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की। कोई डाउट इसमें? तो कैसे करना है एफ कैलकुलेट, समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं करना, एक वर्क डन अपना निकाल दो और एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, दोनों को इक्वेट कर दो, एफ की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है यहां तक? तो मैं मॉडिफाई करता हूं, सपोज करो फिर से एक बार ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर इस ब्लॉक को मैंने धक्का मार के छोड़ दिया, छोड़ दिया, फोर्स लगानी बंद कर दी मैंने, और इसके ऊपर अभी वेलोसिटी है 20 m/s, थोड़ी देर के बाद आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 m वेलोसिटी है 2 m/s, 20 से 2 हो गई। अब क्यों हुई, अपने आप थोड़ा ना कम हुई, कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ क्या लग रही होगी इसमें, फ्रिक्शन, तभी हुई, तो फ्रिक्शन फोर्स एड कर रही होगी। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें म्यू मैंने देना नहीं आपको, म्यू नहीं दूंगा, और मास यहां पर क्या है बॉडी का, 1 kg, तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बतानी है कितनी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स कौन है, यहां पर फ्रिक्शन, इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू 1 इंटू 2², हाफ इंटू 1 इंटू 20², तो नेगेटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव आएगा। हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क डन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ जो निकालना है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी 15, कॉस ऑफ कितना, फ्रिक्शन इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना 180, जो कि नेगेटिव है, आगे से 180 पुट करने की जरूरत नहीं है, आगे से सिर्फ नेगेटिव लगा दें, जो भी रिटार्डिंग फोर्सेस है उनका वर्क डन हमेशा नेगेटिव, इसे और इसे इक्वेट करें, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन की। आंसर समझ में आ रहा है कैसे लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लियर? इंपॉर्टेंट ये है कि सेम क्वेश्चन मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स में पूछा करता था, पर फोर्स का तरीका अलग था कैलकुलेट करने का, म्यू टाइम्स एमजी, म्यू काइनेटिक, और एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करेगी। समझ में आ रहा है, तरीका वही है, एफ तो दोनों में निकलता है, लेकिन देखो एनर्जी में कैसे निकलता है और फोर्सेस में कैसे निकलता है।
ये तो बहुत आसान करेगा चीजों को, देखते जाओ अभी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, पॉइंट नंबर टू। अब सपोज करो मैंने क्वेश्चन फिर चेंज कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास फिर से एक ब्लॉक है, फिर से एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगेन 15 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 15 मीटर ये लो, और इसके ऊपर एफ फोर्स एक्ट कर रही है और यहां पर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है 2 न्यूटन, दोनों चीजें हैं, और इसकी वेलोसिटी अभी 2 मीटर पर सेकेंड है और अभी इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, मास अभी भी 1 kg है। तो आपको इस केस में क्या निकालना है? एफ निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू वन इंटू 15 स्क्वायर, हाफ इंटू वन इंटू कितना 2 स्क्वायर। बोलो एनर्जी बढ़ी कि कम हुई? इसमें एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? वेलोसिटी 2 से 15 हो गई तो काइनेटिक तो बढ़ गई ना, काइनेटिक बढ़ गई तो इसका मतलब एफ बढ़ा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ी है? एफ बढ़ा है ना, फ्रिक्शन बढ़ी होगी तो यार कम नहीं कर देगी वेलोसिटी, रिटार्ड कर देगी, तो इसका मतलब कैपिटल एफ बढ़ा है, और अगर कैपिटल एफ बढ़ा है तो नेट फोर्स क्या होगी? एफ माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 15, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो नेट फोर्स एक्सेलरेटिंग है, इट शुड बी पॉजिटिव। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा था? वर्क डन बाय नेट फोर्स। अब दोनों फोर्स में नेट फोर्स क्या होगी? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। अब मान लो मैंने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया, मेरा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं, और सपोज मेरी जो वेलोसिटीज हैं वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू 2 स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू 20 स्क्वायर, राइट? काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम। वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। तो फोर्स क्या होगी? रिटार्डिंग। कौन बड़ा होगा? एफ की 2, इसमें 2 ही बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तभी रिटार्डेशन है। तो नेट फोर्स बोलो क्या होगी? 2 माइनस एफ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो 2 माइनस एफ हो गया इसमें, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो इसमें बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस की और ये वैल्यू आई, पर एक बात बताओ, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस की, तो ये टर्म तो पॉजिटिव है ना, और ये टर्म क्या है? नेगेटिव है। ऐसे कैसे इक्वल हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल कैसे हो सकता है? क्योंकि ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है ओवरऑल, तो यहां पर साइन क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि रिटार्डिंग नेट फोर्स कभी भी काइनेटिक एनर्जी को कम नहीं करेगी, वो हमेशा बढ़ाएगी। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। तो यहां पर जो नेट फोर्स है वो कहाँ होगी? इधर, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ी है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? इधर। एंगल क्या होगा? 180। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल एक काम करो, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है ना, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, निकाल लेना, एफ आ जाएगा आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सपोज आपके पास एक, ये एक वुडन प्लैंक है, इस वुडन प्लैंक में एक बुलेट एंटर करता है, एक बुलेट एंटर करता है, मास बुलेट का 1 kg है, और बुलेट एंटर करता है विद 200 मीटर्स पर सेकेंड, और बाहर आता है 100 मीटर्स पर सेकेंड से, और इस केस में मास गिवन है, ये भी गिवन है, जो प्लैंक है वुडन प्लैंक है उसकी लेंथ चाहिए तो ले लेना, वैसे हो तो ना भी चाहिए हो 2 मीटर है। ठीक है, केस नंबर 1, वेलोसिटी क्या हो रही है इसमें? कम हो रही है। नेक्स्ट, केस नंबर 2 में वही वुडन प्लैंक है,
तो बताओ मैं कितनी वेलोसिटी से इसे बुलेट को एंटर करवाऊं उसी बुलेट को, ताकि ये बाहर आए विथ 50 मीटर्स पर सेकेंड। सेम प्लैंक है 2 मीटर का, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा केस नंबर 2 है। कैसे लगाएंगे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, वो आप सोचें। वुडन प्लैंक में जब बुलेट जाएगा वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि वुडन प्लैंक क्या प्रोवाइड करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो आप एज्यूम कर लेना इसमें एफ है। तो लगाएं इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व करें।
9। चलो मेथड चेक करो सर, 180.2 है आंसर। 180 के आसपास है। यस यस, ठीक है, एक बार जरा चेक कर ले आपने क्या किया और मैं क्या इसमें करूंगा। मुझे पता नहीं आपने कैसे किया। देखो मैं इसको ऐसे करूंगा कि क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी इसलिए कम हुई क्योंकि इसके अंदर जो वुडन प्लैंक है वो क्या लगा रहा होगा, फ्रिक्शन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज बोलो हाफ इंटू मास वन इंटू 100 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू वन इंटू 200 का स्क्वायर। क्या पॉइंट क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो फोर्स एक्सेलरेटिंग नहीं हो सकती, फोर्स रिटार्डिंग है। रिटार्डिंग फोर्स में वर्क डन पॉजिटिव नहीं हो सकता, वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क डन किसने किया, फ्रिक्शन ने, फ्रिक्शन एफ, और कितने डिस्टेंस तक किया, टू। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, और नेगेटिव साइन क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेम केस नंबर वन में केस नंबर टू, वर्क डन बाय अगेन फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 50 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू V का स्क्वायर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? उसके बाद आप एक काम करें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, बेस्ट है, क्योंकि जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर वन, तो सेकेंड इक्वेशन है माइनस एफ इंटू टू इज इक्वल टू हाफ इंटू वन इंटू 50 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू वन इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एफ इंटू क्या आएगा यहां पर, टू अगेन एफ इंटू टू, और यहां पर क्या आएगा, हाफ इंटू कितना, वन इंटू 100 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू वन इंटू 200 स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, ये पूरी पूरी टर्म आपस में कैंसिल वन हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, डिवाइड करने में टर्म कट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो वैसे आ ही जाएगा। पर आपको मेथड समझ में आया कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी कैसे इसमें, कोई डाउट, ऑनलाइन क्लियर है?